नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 22 फरवरी 2018। स्वागत है आपका पीली पोस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपोर्टेंट न्यूज नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट है, यूनियन कैबिनेट ने 60,000 करोड़ का नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस फंड की सहायता से हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम, जिसके अंदर 2022 तक 12 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स तैयार करनी है, यानी जो हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर 2022 तक 1,20,00,000 घर बनाने हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड का अप्रूवल दे दिया है। ये फंड होगा 60,000 करोड़ का। देखो, वैसे तो गरीब लोगों के लिए घर का अरेंजमेंट करना हर जगह ही काफी मुश्किल होता है, लेकिन अर्बन एरियाज में तो हाउसिंग सेक्टर और ही महंगा है। तो वो लोग जिनके लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है, वो हाउसिंग का अरेंजमेंट नहीं कर पाते अर्बन एरियाज में, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये फंड का निर्माण किया गया है। और ये फंड होगा बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत। ये देखो, एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, और ये काउंसिल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। एक बात ये भी याद रखिएगा, इस फंड को रेज किया जाएगा नॉन बजटरी सोर्सेज से, यानी बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है इस फंड के लिए, लेकिन नॉन बजटरी सोर्सेज जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बॉन्ड, आईपीओ, इन सब से इस फंड को रेज किया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के बारे में है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2016 में 6,00,000 बच्चों की डेथ हो गई एक महीने की एज अचीव करने से पहले ही। एग्जैक्टली आपको बताऊं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में, 1,000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 28 दिन की एज अचीव करने से पहले। यह है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, और इंडिया में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है 25.4। और देखो, यूनिसेफ ने यह भी कहा कि 52 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की जो रैंकिंग निकाली गई, उसमें से इंडिया 12वां सबसे वर्स्ट कंट्री है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के दृष्टिकोण से। और यह काफी वेरी करती है इंडिया में, केरला और गोवा जैसे स्टेट्स में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, 1,000 में से सिर्फ 10 बच्चों की डेथ होती है 28 दिन की एज अचीव करने से पहले। और जबकि कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 44 के आसपास है, यानी इन राज्यों में 1,000 में से 44 बच्चों की डेथ हो जाती है 28 दिन अचीव करने से पहले ही। हम काफी स्लो चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से 2030 से पहले हमें हमारे देश में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 12 तक लेके आना है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में आता है ये टारगेट, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसके हिसाब से हमारी जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 12 तक आनी चाहिए 2030 से पहले, लेकिन इस टारगेट के हिसाब से हम उतना तेज नहीं चल रहे हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में हालांकि इंडिया ने इंप्रूव किया है। पहले इंडिया की जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट थी वो 43 थी, लेकिन अब इसे हम 39 तक लेके आए हैं, यानी कि 1,000 में से अभी भी 39 बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की अचीव करने से पहले, और जबकि पहले ये आंकड़ा 43 था, तो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यूनिसेफ के बारे में बात करें तो देखो, यूएन की एजेंसी है, जैसे नाम से ही पता लगता है शुरुआत में यूएन है। इसे इस्टैब्लिश किया गया था 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ की? फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे कुछ देशों में बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो बच्चों की वेलफेयर के लिए जिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित कंट्रीज में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उन बच्चों के वेलफेयर के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया था। लेकिन बाद में इस बॉडी के मैंडेट को एक्सटेंड कर दिया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित कंट्रीज के अलावा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे भी बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करती है यूनिसेफ बॉडी, और इसको नोबल पीस प्राइज भी मिला था 1965 में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूनिसेफ के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल महानदी ट्रिब्यून के बारे में है। महानदी रिवर को लेकर पिछले काफी समय से विवाद है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। उड़ीसा इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और कहा कि ट्रिब्यून का निर्माण कर लीजिए, पानी को लेकर विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा के कहने पर ट्रिब्यून का निर्माण नहीं किया इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत। इसके बाद उड़ीसा गया सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ट्रिब्यून का निर्माण कीजिए। अब यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महानदी रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, उसे सुलझाने के लिए ट्रिब्यून बनाने का निर्णय लिया है, अप्रूवल दे दिया है। विवाद है क्या वो भी हम ब्रीफ में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से निकलती है महानदी रिवर,
और छत्तीसगढ़ के बाद एंटर करती है उड़ीसा में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। टोटल ड्रेनेज एरिया की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ड्रेनेज एरिया है 75,136 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा में ड्रेनेज एरिया है 65,580 किलोमीटर स्क्वायर, और थोड़ा सा झारखंड में और कुछ महाराष्ट्र में भी है। देखो 1952 से पहले, उस समय छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था, लेकिन 1952 से पहले उड़ीसा में महानदी रिवर की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स आती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन 1952 में हीराकुड डैम इस्टैब्लिश किया गया महानदी रिवर पे उड़ीसा में, जिसके बाद किसानों को बहुत फायदा हुआ और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा। लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी रिवर पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश करने स्टार्ट किए। इन्हीं प्रोजेक्ट से दिक्कत है उड़ीसा को। उड़ीसा का यह कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर पे जो ये प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश किए जाएंगे तो जो महानदी रिवर एंटर करेगी उड़ीसा में, उसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और इसी को लेके मांग की थी उड़ीसा ने इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर ट्रिब्यूनल का निर्माण कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ को मना किया जा सके ये सारे प्रोजेक्ट्स इस्टैब्लिश करने से। तो ये पूरा आर्टिकल था महानदी रिवर डिस्प्यूट के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहले हमने डिस्कस किया था, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, आपको यह बताना है चॉइसेस में से कौन सी ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। हसदो, ओब, टेल, जोंग, इन चारों में से बताइए महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो देखो चारों के चारों महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा। हसदो, मांड, जोंग, ओंग, सियोनाथ, टेल, ये सारी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मैक्सिको से है। मैक्सिको में एक एंशियंट लॉस्ट पिरामिड सिटी को डिस्कवर किया गया है और इस अंडरग्राउंड एंशियंट लॉस्ट सिटी का नाम है एंगामुको। 1000 AD से 1350 AD के बीच 100,000 लोग रहे होंगे इस लॉस्ट सिटी एंगामुको के अंदर और 40,000 बिल्डिंग्स इस्टैब्लिश की गई थी। और देखो मैक्सिको में एक एथनिक ग्रुप है जिसका नाम है पूरे पेचा। इस एथनिक ग्रुप के द्वारा इस सिटी को इस्टैब्लिश किया गया था और ये सिटी डिस्कवर की गई लिडार टेक्नोलॉजी की सहायता से। लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक डिटेल्स हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म है लिडार की, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो जिस प्रकार से रडार एक रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है, उसी प्रकार से लिडार भी एक रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है। रडार में क्या होता है, मान लीजिए यहां पे रडार लगा हुआ है और यहां पे कोई एयरक्राफ्ट है, तो रडार से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं, एयरक्राफ्ट से टकरा के रेडियो वेव्स वापस आती हैं। तो जितने टाइम में वो रेडियो वेव्स वापस आती हैं उसके हिसाब से उस एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है या फिर उस एयरक्राफ्ट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है। तो इस प्रकार से रडार काम करता है। लेकिन लिडार टेक्नोलॉजी में क्या होता है, लिडार टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स के बजाय लाइट पल्सेस ट्रांसमिट की जाती हैं। तो लाइट पल्सेस ट्रांसमिट की जाती हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट से लाइट पल्सेस ट्रांसमिट होकर वापस आती है जब, तो उसके हिसाब से कितने टाइम में वो लाइट पल्सेस वापस आई हैं उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है, कैसा ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे है वो ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये लिडार टेक्नोलॉजी काम करती है। लाइट पल्सेस को ट्रांसमिट किया जाता है, ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट पल्सेस वापस आती हैं, कितने समय में वापस आए उसी हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है। अगला आर्टिकल ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। तो इस ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया को रैंक हासिल हुई है 81, तो दो स्थान इंडिया फिसल गया है। 2016 में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी 79, अब हो गई है 81। इस इंडेक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड सबसे कम करप्ट कंट्री है और सोमालिया सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में। ये जरूर याद रखिएगा ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। क्वेश्चन यूं पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या यूएन की बॉडी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई बॉडी है? कुछ भी नहीं है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आगे चीफ सेक्रेटरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। कंटेक्स्ट आपको पता है, सुबह हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के MLAs पे आरोप लगा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पे अटैक किया। तो चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट या यूटी में सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। एक प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल पॉइंट होता है चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है। हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल या फिर यूटी की। सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो सबसे सीनियर पोस्ट होगी। इवन पूरे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स में से सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। और देखो चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड के। 2015 में UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था।
यूपीएससी की स्टेटमेंट ये थी, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। कैबिनेट सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, जबकि स्टेट में चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड के। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। और पिछले साल यूपीएससी ने यह क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आप दीजिए। चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, और दूसरी स्टेटमेंट है द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज ए फिक्स्ड टेन्योर। देखो दूसरी स्टेटमेंट तो साफ तौर पर गलत है, सरकार अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है और हटा भी देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल फिक्स होता है 2 साल का 3 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहली स्टेटमेंट पे काफी विवाद हुआ था जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विवाद मतलब यूपीएससी एस्पायरेंट्स के बीच हुआ था, ऐसा नहीं कि टीवी पे पूरा विवाद हुआ था। देखो विवाद ये था कि चीफ सेक्रेटरी को चूज किया जाता है सीएम के द्वारा और सीएम सारे डिसीजंस लेते हैं गवर्नर के नाम से, तो इस लॉजिक से तो यह हुआ कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन देखो यूपीएससी ने जब अपनी कीज रिलीज की थी तो इसका आंसर डी था, यानी पहली स्टेटमेंट गलत थी। गलत इसलिए थी कि कई बार आपने देखा होगा कि सेंट्रल लेवल पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाती है वो अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा की जाती है। ये पावर अपॉइंटमेंट कमेटी को प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेट की गई है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग। कई बार आपने नोटिस किया हो तो न्यूज़पेपर्स में ये लिखा आता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी, ये नहीं लिखा आता कि गवर्नर अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी। और सेंट्रल लेवल पे भी यही आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड या फिर अपॉइंटमेंट कमेटी अपॉइंटेड, तो इस प्रकार से लिखा आता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं लिखा आता। तो यूपीएससी की को ही हमें मानना है, डी इसका आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और सॉरी आज रिवाइज नहीं करते हैं क्योंकि आज तबीयत थोड़ी खराब है, बड़ी मुश्किल से डिस्कशन कंप्लीट की। तो आज की डिस्कशन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं कल हम कवर करेंगे और इन्वायरमेंट की बॉडीज भी कल ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।